आज की क्लास शुरू करें भाई। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो कल अपन ने सैम्पलिंग कंप्लीट किया था, आज की क्लास में अपने को फिजिको केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड के बारे में थोड़ा बात करनी है। इसमें बीच में सेंसरी का भी जिक्र आएगा, जबकि सेंसरी बिल्कुल एक अलग साइंस है, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत, क्योंकि ये जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें कहीं फ्लेवर वगैरह का जिक्र आता है, तो हमें सेंसरी की कुछ टर्म्स का भी पता होना चाहिए। तो फिजिको केमिकल एंड मैकेनिकल, नाम से पता लग रहा है कि फिजिकल प्लस केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं फूड की, और साथ में मैकेनिकल की अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन या किसी भी फ्लो की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी इसके अंदर हम एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले तो देखने से जो अपने को फैक्टर पता लगते हैं कि अपीयरेंस फैक्टर, जिनको हम देख के ही अंदाजा लगा लेते हैं कि क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं और उनके अंदर अच्छा किसको मानते हैं, बुरा किसको मानते हैं। तो जैसे साइज है, शेप है, वुडलेंस है, इसी तरह की अगर सरफेस डैमेज है, ग्लॉसीनेस है, ट्रांसपेरेंसी है, कलर है डिफरेंट टाइप्स के, और फिर कंसिस्टेंसी, ये अपीयरेंस फैक्टर आते हैं। इसमें एग्जांपल दे रखे हैं मैंने कि बहुत सी चीज़ें जो हम एक ही प्रोडक्ट के अंदर उसकी क्वालिटी की डिफरेंट परसेप्शन हो सकती हैं। एप्पल जूस का एग्जांपल लिया है मैंने कि इसको बहुत क्लाउडी भी और क्लियर जूस के रूप में सेल करते हैं, तो बहुत बंदे क्लाउडी जो एप्पल जूस है उसको नेचुरल क्लियर एप्पल नेचुरल का ऐसे जूस मिलेगा उसको अच्छा मानते हैं। कई कहते हैं कि इसमें से जो क्लाउडी पार्ट है वो निकलना चाहिए, जो क्लियर होगा उतना ही अच्छा मानते हैं। तो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं क्वालिटी के, तो उन सभी के ऊपर अपने को कंपनियां दोनों तरह के जूस बनाती हैं, वो क्लियर जूस भी बनाती हैं और क्लाउडी भी बनाती हैं, दोनों तरह के कस्टमर्स की डिमांड को कैटर करने के लिए। इसी तरह से जो और प्रॉपर्टीज हैं, टेक्सचरल फैक्टर्स हैं, इसमें हैंड फील, माउथ फील है, वो अपने को फर्मनेस के बारे में, सॉफ्टनेस के बारे में, जूसीनेस, च्यूवीनेस, ग्रिटीनेस, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है जो अपने को हैंड फील और माउथ फील। अब बेसिकली ये क्या है, ये टेक्सचरल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इसको हम हाथ से भी और मुंह के अंदर रख के प्रोडक्ट को तब हम टेस्ट करते हैं। और टेक्सचर से बहुत बार डिसाइड होता है कि कोई प्रोडक्ट को हम लाइक करेंगे या डिसलाइक करेंगे। जैसे चिप्स के अंदर जो क्रैकल है, या जो अपने म्यूसली है, या जो अपने ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं उनकी जो क्रंचीनेस है, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की जो क्रंचीनेस है, वो लाइकिंग का एक क्राइटेरिया होती है। और अगर वो चिवीनेस हो, उसमें लैदरी फील आए, तो उसको हम डिसलाइक करेंगे कि ये पुरानी होगी, बासी होगी। लेकिन अगर आम पापड़ की बात करें, मैंगो लैदर जिसको बोलते हैं, तो अगर वो क्रैकलिंग होगा तो इसका मतलब अगर खराब है, वो चीज होना चाहिए। ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं टेक्सचर से रिलेटेड भी, और इन टेक्सचर से रिलेटेड जो रिलेटेड फैक्टर्स हैं उनको नापने के लिए अलग अलग मशीन्स होती हैं, मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन, जिसके बारे में भी हमने पिछले कुछ बात की है, अभी भी करेंगे। बेसिकली एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन बोलते हैं, उसमें सभी तरह की टेस्ट जो अपने से रिलेटेड हैं करके देखते हैं। फिर फ्लेवर फैक्टर्स हैं जो अपने को टेस्ट जो है वो स्वीट्स और बिटर साल्टी वो अपने को टंग से पता लगता है, और जो एरोमा है या जो जिसको हम स्मेल कहते हैं, ऑडर कहते हैं, वो अपने को नोज से पता लगता है। और इन दोनों का मिली जुली जो सेंसेशन है, मिला के जो सेंसेशन आता है, उसको फ्लेवर बोलते हैं। तो इनको कई बार इंटरमिंगल कर देते हैं, मिला देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो चीज है वो मैंने जो बताई है वो है। और जब भी हम फ्लेवर की बात करते हैं या सेंसरी रिलेटेड किसी भी एट्रीब्यूट की बात करते हैं, तो उसमें कुछ उनकी खास वोकैबुलरी होती है। खास वोकैबुलरी का मतलब कि उन पर्टिकुलर सेंसेशंस को, जो वो पर्टिकुलर सेंसेशंस हैं, उनको बताने के लिए कुछ खास वर्ड्स होते हैं। जब हम इसका सेंसरी का कोर्स करते हैं तो इन वर्ड्स के बारे में और डिटेल में बात करते हैं कि हम किस चीज़ को क्या कह रहे हैं। तो
सबसे पहले तो मेन जो फैक्टर्स होते हैं अपीयरेंस का, ऑर्डर का, टेस्ट का, टेक्सचर का, उनको हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स की मदद से एनालाइज करते हैं। जैसे टेस्ट है, हमारी जो टंग है, चार बेसिक टेस्ट पर आजकल चौथा पांचवा जो उमामी टेस्ट है उसको इंक्लूड करते हैं। तो ये चार बेसिक टेस्ट के अलावा और टेस्ट भी हैं जो एसोसिएटेड होते हैं, जैसे मिंटी फ्लेवर है, मिंटी टेस्ट है, फ्लेवर नहीं है हमारे, या फ्रूटी टेस्ट है, मीटी टेस्ट है, इस तरह से और बहुत से फ्लावरी है। तो स्मेल में भी उनको लेते हैं, फ्लेवर उसको टेस्ट में भी लेते हैं, या अर्दी टेस्ट बोल देते हैं। तो ये जो अलग अलग और चार बेसिक टेस्ट के अलावा भी जो दूसरे टेस्ट हैं, जब हम सेंसरी एनालिसिस की ट्रेनिंग लेते हैं तब अपने को पता चलता है कि किस चीज को ये क्या कह रहे हैं। क्योंकि इस वोकैबुलरी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वोकैबुलरी बेसिकली हमारी भाषा बनती है जब हम उस फील्ड में जाते हैं। तो सेंसरी को जब आगे टेस्ट करेंगे तो डिटेल में, अगर सेंसरी के अंदर ही अगर हम आपको एस्टेब्लिश करते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीजें हमें क्लियर होंगी, तभी हम एनालाइज करके सही इंफॉर्मेशन जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है उसको बता पाएंगे। ऐसे टेक्सचर में है, टेक्सचर की असेसमेंट टच से भी हो सकती है, माउथ से भी हो सकती है, जब हम मुंह के अंदर कोई चीज डालते हैं तो उसको तालू में और जीभ के नीचे दबा के वो कैसा बिहेव करता है, सॉफ्ट है, हार्ड है, दांतों के बीच दबा के, हाथ से दबा के देखते हैं, तो उससे अपने को टेक्सचर की बहुत सी प्रॉपर्टीज का पता लग जाता है। जो अलग अलग सेंसेशंस हैं जब हम च्यू करते हैं किसी फूड को, चबाते हैं, तो वो सेंसेशन हमें उस चबाने से ही पता लगती है। थर्ड वन इज योर अरोमा, जो नाक जो स्मेल डिटेक्ट करता है उसको हम अरोमा कहते हैं, ऑडिबल बोलते हैं। और नाक कैसे डिटेक्ट करता है, बेसिकली जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके कारण स्मेल आती है, वो वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, रूम टेम्परेचर पे आपके वो आपके फूड में से उठ के हमारी नाक तक पहुँचते हैं अब्डोमिनल मूवमेंट के थ्रू। और नाक के अंदर रिसेप्टर होते हैं, एरोमा रिसेप्टर्स या ऑडर रिसेप्टर्स, तो उन रिसेप्टर्स पर से वो मॉलिक्यूल लगते हैं तो उसका सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन की लाइब्रेरी वो हमें मैच करके बताती है कि कौन सा ऑर्डर है, कौन सी स्मेल है, और फिर उसके बेस पे हम आगे पेपर पे अपने को डिस्क्राइब करना है, किसी को बताना है तो वो बताते हैं। तो इसमें हजारों तरह की स्मेल्स होती हैं और उनको हम आइडेंटिफाई भी अलग अलग कर लेते हैं। जिस तरह कोई भी आपको फाउल स्मेल लगती है, सल्फर कंटेनिंग अगर कोई चीज़ है, अगर वो बर्न हो रही है तो सल्फर की जो स्मेल है, उसकी रोटन एग जैसी स्मेल होती है, फिश की अलग स्मेल होती है, चीज़ की बिल्कुल अलग स्मेल होती है, और अलग अलग चीज़ की अलग अलग स्मेल होती है। और भी स्मेल बोलते हैं उसको, जो अपने घास में से या अपने दूसरे जो बेसिकली ऐसी झाड़ियां हैं जो उनसे अपने को चीज़ें मिलती हैं, पत्ते वगैरह, उनकी जो स्मेल है, अरबी स्मेल। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स की स्मेल है, फ्लावरी स्मेल है, कि पर्टिकुलर किस फ्लावर की स्मेल है, और साथ में कितनी स्ट्रांग है, ये इंटेंसिटी भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद है अपीयरेंस, अपीयरेंस में आपके साइज है, सबसे देखने से पहले पता लगता है, शेप है, कलर है, या सरफेस के टेक्सचर के बारे में ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो चमकदार है या रफ है, शाइनी है या रफ है, उसके बारे में भी अपने को इससे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अलावा लार्ज है, स्मॉल है, ओब्लॉन्ग है, स्क्वेयर है, कलर कैसा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आते हैं अपीयरेंस। तो ये जो कुछ वोकैबुलरी है, ये बहुत जेनरिक सी वोकैबुलरी मैंने इसमें दे रखी है, जो पर्टिकुलर इन सेंसेशंस को या इन फैक्टर्स को बताने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो बेसिकली ऑर्डर या स्मेल के अंदर फ्लोरल स्मेल है, फ्लावर जैसी स्मेल है, सड़ी स्मेल है, परफ्यूम्ड है, परफ्यूम की स्मेल होती है, थोड़ा सा अलग तरह की होती है, फ्लोरल स्मेल से एक्रिड स्मेल है, मस्टिक है। ऐसे टेस्ट के अंदर स्वीट्स और बिटर साल्टी तो अपने को पता है, इसके अलावा कूल सेंसेशन आती है, मिंटी जो भी चीज़ें, कईयों से जेस्टी फीलिंग आती है, कई अपने को जीप रखने पे वार्म लगते हैं, जैसे काले मिर्च है, फिर वो अगर हमने
लाल मिर्च डाली है तो हॉट है वो, या कुछ मसाले ऐसे हैं टैंगी जो तीखापन है, सौर खट्टापन है, अलग अलग सेंसेशन है। उसके बाद अपीयरेंस में देखने से जो पता लगते हैं हैवी डल फ्लैट, ये इस तरह की फीलिंग है कि उसमें आपको कुछ अट्रैक्टिव नहीं है। फिजी जिसके सरफेस पे आपको लगे कि बबल्स वगैरह हैं, क्रिस्टलाइन अलग से आपको खुरदरे उसके ऊपर कोने निकले दिखेंगे, वेट है सरफेस देखने से ही पता लग जाता है कि मॉइस्चर है या ड्राई है, क्यूबॉइड है, शेप है, ये इसी तरह से पतला है और बिल्कुल थिन है तो देखने से पता लग जाता है वेफर होते हैं जैसे कि वो फ्रेजाइल है। तो इसके अलावा टेक्सचर की जो वर्कर में आती हैं चीज़ें देखने से पता लगता है बड़ा आसानी से टूट जाएगी, ब्रिटल रबरी जो खींचते हैं लंबा खींचता जाता है, शॉर्ट की ब्रेक हो जाएगा इजीली, ग्रिटी दानेदार, इसी तरह से क्लैमी कि वो हार्ड है, क्लोज स्टोजी बबली सैंडी, ये टेक्सचर रिलेटेड थी। इसके लिए अलग अलग एग्जांपल देके आपको इसमें सिखाते हैं कि ये चीज़ ये है तो आगे कभी प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करो तो आपको इस पर्टिकुलर फीलिंग के लिए, इस पर्टिकुलर टेक्सचर के लिए ये वोकैबुलरी यूज करनी है। तो सेंसरी का इसलिए थोड़ा सा इस पार्ट आता है। ऑर्डर के बारे में अपने को यही मैंने बताया अभी, ऑर्डर और टेस्ट जहाँ इकट्ठे काम करते हैं उसको फ्लेवर बोलते हैं, तो इसमें अलग अलग नाम आ सकते हैं, ब्लाइंड है, रेंसिड है, टार्ट है, एसिडिक है, ये बेसिकली तीखापन उसको बताने के लिए, स्ट्रॉन्ग सिट्रस माइल्डी स्पाइसी ये भी अलग तरह के सेंसेशंस के लिए है। इसी तरह से अपीयरेंस और टेक्सचर के हैं, फर्म है, फ्लेकी, क्रिस्पी, फ्लफी या ड्राई है या स्टिकी है, सरफेस प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। तो इनमें जो अपीयरेंस फैक्टर है सबसे पहला जो है, इसमें देखने से ही बहुत सी चीजों का अपने को अंदाजा होता है। जैसे इसने बताया कि साइज शेप और होलनेस और पैटर्न, पैटर्न क्या चीज है बेसिकली कि ये कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए जिस तरीके से जचाया जाता है चीजों को। इसका एक सीधा सा एग्जांपल कि रेडी पे मान लो संतरे रखे हैं और एक आदमी ने संतरे जचा के रख रखे हैं एक के ऊपर एक पर पूरा वो बना के, और एक ने वैसे ही डेरी बना रखी है, तो आदमी जहाँ पे कोई सिस्टम से पैटर्न से चीज जचा रखी है ना उसमें से लेना पसंद करता है, तो वो भी एक कंज्यूमर अपील का या अट्रैक्शन का एक अपीयरेंस फैक्टर होता है। तो ऐसे जो अपने जार्स वगैरह हैं उनके अंदर जो कैन प्रोडक्ट हैं जो ट्रांसपेरेंट कैन है तो उसमें भी अगर चीज़ें जब डाली जाती हैं तो इस तरीके से डाली जाती हैं कि उसमें पैटर्न भी विजिबल हो अगर आपने कोई पैटर्न उसमें लिया है। तो बार बार ये जो चीज़ें आपकी आ रही है ना बीच में अपीयरेंस फैक्टर वगैरह, ये इसीलिए है कि कोई छोटी मोटी अगर चीज़ रह जाती है तो उसको हम दोबारा से देखें। होलनेस का मतलब है कि टोकन या पीसेस जितने कम हो उतने बढ़िया हैं, डिग्री ऑफ होलनेस का यही है कि पूरे के पूरे पब्लिक। एंड पाइनएप्पल का इसने एग्जांपल दिया है कि जो होल रिंग है पूरे का पूरा रिंग है उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है चंक्स की उससे कम, और बिट्स जो है टुकड़े हैं छोटे बिल्कुल उसकी सबसे कम। ये सिर्फ उसमें कोई पाइनएप्पल की प्रॉपर्टी चेंज नहीं है, पाइनएप्पल पाइनएप्पल ही है, लेकिन जो टुकड़ों का साइज छोटा हो गया उसके कारण। ऐसे अपना मेन इसमें देखो राइस के अंदर अगर होल राइस है या हेड राइस है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, और जो छोटे जो ग्रेट्स हैं या ब्रिवर्स ग्रेट्स जिसको बोलते हैं तो उनकी वैल्यू कम है, चावल चावल ही है, सेम वेराइटी है, लेकिन दाना अगर छोटा हो जाता है तो फूड के मामले में उनकी वैल्यू कम हो जाती है। कुछ ऐसे जिस तरह अपीयरेंस में पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं आपको, कुछ चीज़ ऐसे होते हैं उसमें नीले रंग की एक फंगस लग होती है, उस फंगस के कारण उसका अलग से एक फ्लेवर डेवलप होता है, लेकिन कई आदमियों को अगर चीज़ वाइट ही पसंद है या येलो ही पसंद है और उसको उसमें बीच में ब्लू लाइन दिख जाए तो वो कहेगा कि खराब है, जबकि जो ये मोल्ड वाले जो ब्लू वेन चीज़ हैं इनका बहुत प्रीमियम रेट होता है क्योंकि तो इसका फ्लेवर बिल्कुल अलग होता है, तो किसी को उसमें डिफेक्ट दिखेगा कोई वो कहेगा कि ये क्वालिटी है। अब क्वालिटी का अपने को ब्रेड में देखने से पता लग जाता है अगर फंगस लगी हुई है तो ये लो
क्वालिटी ब्रेड है जिसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, अनसेफ है। तो ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं, अपने को ध्यान में यही रखना है कि जो क्वालिटी फैक्टर सही है वो अपने प्रोडक्ट के लिए, उसी को हम जज करेंगे। भाई अब आइसक्रीम में इसने वलीना बीन्स वगैरह का तो एग्जांपल दिया, अपने यहाँ नहीं चलता ये, लेकिन अपने यहाँ एक टूटी फ्रूटी करके या कुछ और आइसक्रीम के फ्लेवर आते हैं, उनके अंदर कुछ ग्रेटी से प्रोडक्ट होते हैं, तो बच्चे उसको डिसलाइक करते हैं क्योंकि उनको प्लेन जो वनीला है या प्लेन स्ट्रॉबेरी है वो पसंद होता है, तो उसमें अगर बीच में कुछ जीभ पे दाना आ जाए तो बच्चे उसको अलग निकाल देते हैं। तो वो एक चुटकुला नहीं सुनाते इस चीज़ पे कि एक बच्चा आता था, एक लड़का आता था एक बुढ़िया के पास, और वो बुढ़िया उसको रोज ड्राई फ्रूट देती थी, तो वो रोज बच्चा उन ड्राई फ्रूट को खाता था। किसी ने बुढ़िया से पूछा कि इस बच्चे से इतना प्यार करते हो, बोला नहीं नहीं ये तो जब मैं आइसक्रीम खाती हूँ ना उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं मेरे दांत नहीं है ना, तो उन ड्राई फ्रूट्स को निकाल के रख देते हैं और ये बच्चा रोज खा लेता है। तो किसी को उसमें वो क्वालिटी डिफेक्ट लगता है, किसी को लगते हैं, इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है। साइज एंड शेप सबसे पहले जो फिजिको केमिकल बल्कि फिजिकल प्रॉपर्टी में ही आता है, सबसे पहले मेजर कर सकते हैं इसको, इजीली देख के पता लग जाता है। फ्रूट वेजिटेबल्स के अंदर जो ग्रेडिंग होती है वो साइज के अकॉर्डिंगली होती है। आप साइज के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं कि एक ऑरिफेस है या ओपनिंग है उसमें से जो पास हो जाएगा तो वो उससे छोटे साइज का है, जो उसमें से पास नहीं हुआ वो बड़े साइज का है, वो आगे जाएगा। तो हम क्या करते हैं छोटे से बड़े की तरफ इस ऑर्डर में लगा के और सारे उन ऑरिफेसेस से या उन ओपनिंग्स पे से पास करते हैं प्रोडक्ट को, तो जो छोटे प्रोडक्ट होंगे वो पहले उसमें स्क्रीन्स में से छोटे स्क्रीन्स में से निकलते जाएंगे या होल्स में से पास हो जाएंगे, जितने बड़े प्रोडक्ट होंगे वो बड़ी होल्स में से पास होंगे। तो इस बेस पे उनकी हम ग्रेडिंग कर लेते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स, लेकिन ये ग्रेडिंग चलती है जो फ्रूट वेजिटेबल्स किसी एक पर्टिकुलर शेप के हैं, जैसे राउंड शेप के, हम ये सेब में भी कर लेंगे, हम ये संतरे में भी कर लेंगे, लेकिन अगर ककंबर में या खीरे में करने के लिए कहा जाए तो ये चीज फेल हो जाएगी। तो आपने देखा होगा कि खीरे जो खासतौर पे मॉल्स वगैरह में मिलते हैं वो कहीं से बैंड नहीं मिलेंगे, जबकि नेचुरली जो खीरे पैदा होते हैं उनमें हल्का सा बैंड होता है, लेकिन उन मॉल्स वगैरह में उसी तरह के खीरे सप्लाई किए जाते हैं, पर्टिकुलर वही वेराइटी या उसी तरीके से तैयार खीरे भेजे जाते हैं जो स्ट्रेट हों, क्योंकि स्ट्रेट जो खीरे हैं सीधे खीरे हैं उनको ग्रेड करने के लिए जो ऑरिफिसेस हैं वो सीधे सर्कुलर ऑरिफिस होंगे या साइज के हिसाब से ग्रेडिंग करनी होती है, साइजिंग देखने वाली जो मशीन है वो अलग तरीके से काम करती हैं, वो बेंट टाइप की जो भी हैं चीज़ें उनमें नहीं काम करती। तो अपने जो मॉल के अंदर खरीदारी होती है बड़े पैमाने पर वहाँ पे फिजिकल सॉर्टिंग नहीं होती या फिजिकल ग्रेडिंग नहीं होती, वहाँ पे मैकेनिकल ग्रेडिंग होती है, तो उसके हिसाब से ही अपने को प्रोडक्ट उनको या फार्मर को प्रोडक्ट उनको देना होता है, बाकी तो वो रिजेक्ट कर देते हैं उनके क्योंकि स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, हालांकि उनमें कोई कमी नहीं है सिर्फ हल्के से बैंड है, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। इसी तरह से जी सर साइज है या वेट है, इस ग्रेडिंग होती है। एक दर्जन अंडों का जो वजन है जितना ज्यादा होगा मतलब उसका साइज उतना ही बड़ा है, तो उसी हिसाब से फिर उनके रेट मिलते हैं प्रीमियम रेट, जितना हैवी होगा जितना, यानी वन डजन एग्स का वेट ज्यादा होगा। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपके इसमें मैटर करती हैं साइज एंड शेप के अंदर भी। तो हमारा मकसद यही होता है कि जैसा भी अपने पास प्रोडक्ट है उसके हिसाब से मैकेनाइज सिस्टम डेवलप करें जिससे कि ग्रेडिंग का जो काम है वो इजीली हो जाए, उसको मैनुअली ना करना पड़े। बहुत सी मशीनें हैं भी और बहुत सी मशीनों को अभी डेवलप करने की जरूरत भी है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो जितना ऑड शेप के पीसीज होंगे उनको उतना ही ग्रेड करने में दिक्कत आएगी। तो कोई सिमेट्री कोई सिस्टम जरूर होना चाहिए, तब उसको हमें काम करना उस पर ईजी रहता है। सेकंड जो है साइज एंड शेप के बाद जो आपका आता है वो कलर एंड ग्लॉस है।
कलर तो हो गया आपका रंग, लॉस हो गया आपकी कि रंग कैसा और उसमें चमक कितनी है। अब कलर जो है आमतौर पे आपका जो कॉन्सेप्ट ये जो आपके रेनबो कलर्स होते हैं उनको हम बेसिक कलर मानते हैं या आरजीबी करके रेड ग्रीन ब्लू, इससे आगे मिलके सारे कलर्स बने हैं। लेकिन कलर का कहीं भी मैचिंग का अगर फूड में काम आता है या कलर के बेस पे क्वालिटी देखनी होती है तो आपके पास एक स्टैंडर्ड चार्ट या कुछ ना कुछ एक स्टैंडर्ड आपके पास जरूर होगा जिससे कंपेयर करके आप देखोगे। उस कंपैरिजन के बाद आपको जजमेंट लेनी होती है कि ये आपके पास जो स्टैंडर्ड है उससे मैच करता है तो उसको क्वालिटी का मानेंगे, अगर उससे मैच नहीं करता है तो उसको आप रिजेक्ट करेंगे। तो वैसे भी अगर हम फ्रूट वेजिटेबल की बात करें तो कलर से आमतौर पर ये अंदाज़ा होता है कि कोई भी फ्रूट अभी कच्चा है या पक गया है, लेकिन वो भी वैरायटी पे डिपेंड करता है। अगर हम आम का भी एग्जांपल ले लें, वैरायटी टू वैरायटी कलर होता है, तो जिस वैरायटी के हमारे पास जो कलर स्टैंडर्ड्स हैं उसी के साथ उसको कंपेयर करेंगे। ये नहीं कि तोतापुरी का जो कलर का स्टैंडर्ड है वो हम अल्फोंसो के साथ ले लें या जो अल्फोंसो का है वो लंगड़ा के साथ ले लें। तो जिस वैरायटी का है उसी वैरायटी के आप स्टैंडर्ड्स यूज करेंगे। ऐसे ही बहुत बार अपने को कलर से अंदाजा लग जाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ है, जैसे अपना आमतौर पर बिस्किट्स के अंदर या कुकीज के अंदर या इवन पोटैटो चिप्स के अंदर कि कैसा कलर हो गया, उससे अपने को पता चल जाता है कि प्रोडक्ट बनके तैयार है या कहीं हीटिंग की या दोबारा से पोटैटो के अंदर जैसे चिप्स की फ्राइंग की जरूरत है और ज़्यादा देर। टोमेटो पाउडर है जैसे, इसके कलर में अगर कोई फर्क आ रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन का जो हेड स्पेस में वॉल्यूम था या क्वांटिटी है वो ज़्यादा रहेगी, जिसके कारण से लाइट कलर हो जाता है, ब्लीचिंग हो जाती है। लेकिन अगर डार्क कलर आ रहा है ड्राई टोमेटो का तो उसका मतलब ये बहुत ज़्यादा डार्क है, तो इसका मतलब ये कि मॉइस्चर कंटेंट जो था पाउडर के अंदर वो सही नहीं था। तो ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जब आप जिस भी प्रोडक्ट पे काम करते हो उस प्रोडक्ट के कलर या ग्लॉस से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं वो आपको बताए जाते हैं और आपको उससे क्वालिटी के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है, उसके बेस पे आपको डिसीजन लेना होता है। अब इन्होंने एग्जांपल दिया है वाइन बियर या जो ग्रेप जूस का, तो जब इनके अपने पास एक्सट्रैक्ट आते हैं कलर्ड एक्सट्रैक्ट, तो उसके अंदर अगर कोई भी अंदाज़ा लगाना है तो हमें कंपेयर करने में बड़ी दिक्कत आती है कि कलर के अंदर थोड़ी सी वेरिएशन है तो हमें पता नहीं लग पाती, तो उसके लिए कलरीमीटर्स का या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स का यूज करते हैं। कलरीमीटर्स का और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये उसी लिए आते हैं कि कंसंट्रेशन में अगर बहुत थोड़ा चेंज है और हम आँख से पकड़ नहीं पा रहे हैं वो चेंज कितना है, तो उसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यही करते हैं कि जो अपना सैंपल है उसको एक स्लॉट में रखते हैं क्यूबेट में या जो भी अपना आपका सैंपलर है, और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट उसमें से पास करते हैं। वो लाइट कितनी पास हुई है, कितनी उस लिक्विड ने एब्जॉर्ब कर ली, इसके बेस पे ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस के बेस पे हम निकालते हैं कि कलर के अंदर कितना चेंज है, और उसके बेस पे हम फिर कंसंट्रेशन को निकालते हैं एक स्टैंडर्ड कर्व बना के कि वो उसमें कहाँ से जुड़ता है। तो कलर का हम कहने को एक बहुत लाइट सा भी कह सकते हैं कि भाई देख के पता लग जाता है, लेकिन इसके लिए आपके इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स भी हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वगैरह के, उससे आपको अंदाजा हो जाता है, सही सही इंफॉर्मेशन मिल जाती है कलर के बारे में। और कलर का मैंने बताया था कि अगर आपको फैक्ट्री फ्लोर पे देखना है तो उसके लिए आपके पास कलर टाइल्स या चिप्स होते हैं जिसके साथ कंपेयर करके आप देखते हो। अब जिस तरह लाल मिर्च की तुड़ाई करते हैं तो लाल मिर्च का रंग की तरह जैसे ही आपको कलर की पेंसिल्स या कलर के जो वो स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं तो आप लाल मिर्च के लगा साथ लगा के उसको देख सकते हो कि कितना लाल रंग है, ये तोड़ने लायक है या नहीं। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल हैं, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, जहाँ भी आप प्रोसेसिंग में कलर चेंज देख रहे हैं तो कलर चेंज कितना है, कैसा डिजायर्ड है। आपके कई फ्रूट वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हैं, टमाटो पेस्ट प्यूरी वगैरह हैं या जो भी आप अपने सॉसेज वगैरह बनाते हैं उनके भी आपके पास कलर चार्ट्स हैं।
कलर मेजरमेंट के अलग अलग तरीके हैं और बहुत सी मशीन्स हैं। आमतौर पे तीन कंपोनेंट लाइट के जो हैं कलर को ऑब्जर्व करने के लिए यूज होते हैं, वैल्यू एंड क्रोमा। वैल्यू का मतलब है कि कितना लाइटनेस या डार्कनेस है कलर में, तो जितना लाइट है जितना व्हाइट की तरफ है उसको हम लाइटनेस मानेंगे, जितना ब्लैक की तरफ है डार्क मानेंगे। ह्यू बेसिकली कि कौन सी ज्यादा कलर की वेवलेंथ रिफ्लेक्ट हो रही है, जिस कलर की ज्यादा वेवलेंथ रिफ्लेक्ट हो रही है इसका मतलब वही कलर हमें दिख रहा है। ये अलग अलग कलर्स में डिफरेंशिएट करने के लिए जो ह्यू है ये क्राइटेरिया होता है। रेड ग्रीन येलो ब्लू एक्सेट्रा जो भी अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग कलर्स की जो मैंने पीछे करवाया था आपको बताया था। क्रोमा का मतलब है कि कलर की कितनी इंटेंसिटी है या स्ट्रेंथ है। तो तीन चीजें हैं बेसिकली, वैल्यू ह्यू एंड क्रोमा। इन तीनों को मिला के आपका या इन तीनों की वैल्यू के हिसाब से आपका कलर बनता है और इन वैल्यूज के बेस पे आप कलर डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी स्केल पे। और क्वांटिफाई करने के लिए भी कितना है अलग अलग कलर्स को, उसके लिए आपके पास हंटर लैब कलर ये एक इंस्ट्रूमेंट है या कलर डिफरेंस मीटर होता है ये इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो इसकी वीडियो आपको नेट पर मिल जाएंगी। कल के लिए असाइनमेंट यही है कि आपको कलर से रिलेटेड कि कलर डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं फूड के अंदर या कलर को कैसे मेजर करते हैं ये आपको वीडियोस देखने हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो जितने भी अपने फूड है उनको कलर जो है वो इन तीन उसके हिसाब से दिया जाता है। उसके बाद ग्लॉस जो है चमक जो है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वालिटी फैक्टर हो जाती है कुछ एक आपके प्रोडक्ट्स हैं जैसे जिलेटिन डिजर्ट्स हैं, बटर्ड वेजिटेबल्स हैं, इनमें जो जितनी शाइनिंग है जितना उस शाइनिंग को बेसिकली ग्लॉस कहते हैं तो वो भी कलर के साथ हम मेजर करते हैं। इससे रिलेटेड जो भी आपकी ब्लैक या ब्राउन जो कलर है चाहे वो एंजाइमेटिक रिएक्शन से हो, नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन से हो, मेलार्ड रिएक्शन से हो, तो वो सारे के सारे आप ऑब्जर्व करते हो आपके प्रोडक्ट के अंदर कि मान लो पोटैटो चिप्स में गाढ़ापन किसके कारण है, जब आप फ्राइंग करते हैं तो क्या रिएक्शन है, या ऑरेंज जूस है उसका ऑरेंज की बजाय थोड़ा सा ब्राउन कलर क्यों हो गया। तो प्रोसेसिंग में ऐसे क्या चेंजेस हुए हैं जिसको आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो कि वो जो कलर है किस कारण से डेवलप हुआ है, ताकि अगर आपको वो कलर हटाना है तो प्रोसेस में आपको पर्टिकुलर उसी स्टेप पे या उसी चीज में चेंज करना पड़ेगा, उसी पैरामीटर में चेंज करना पड़ेगा। जो नेचुरल कलरेंट्स हैं उनके स्पेसिफिकेशन आपको इसमें दी हुई है टेबल 13 में। रेड जो कलर है बेसिकली रेड डाई नंबर 1 जिसको कहते हैं, इसको कार्सिनोजन है ये, अगर आर्टिफिशियली अगर कहीं से इंट्रोड्यूस करते हैं। रेड कलर अगर अपने फूड में डालना है तो रेड बीट्स जो अपने सर्दियों में जूस पीते हैं कैरेट का इसमें मिलाते हैं, रेड बीट बीट्स या बटालियंस ये सब्स्टिट्यूट है जिससे रेड कलर एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वह हम मिला सकते हैं। दिक्कत वही है कि जब पीएच 7 से नीचे हो जो रेड नेचुरल रेड कलर है वो स्ट्रॉ कलर में कन्वर्ट हो जाता है। वाइन ग्रेप से भी रेड कलर मिलता है, एंथोसाइनिन चाहिए लेकिन इसमें भी दिक्कत वही है कि अनस्टेबल होते हैं ड्यूरिंग स्टोरेज और पीएच चेंज होते हैं ये भी अपना कलर इनका फेड हो जाता है। तो नेचुरल कलर्स तो यूज करना रेकमेंड करते हैं लेकिन उसके अंदर लिमिटेशंस बहुत हैं, इनको एक्सट्रैक्ट करने में टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, पैसा लगता है, ये महंगे भी हो जाते हैं, साथ में ये बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं प्रोसेसिंग के दौरान, ये पॉलीमराइज भी हो जाते हैं, तो इनको करना एनालाइज करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से जो अपनी
मिर्च होती है पेपरिका, पेपरिका पाउडर्स के अंदर या ऑलिव एजेंट्स के अंदर कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं, वो भी रेड कलर कलरेंट का काम करते हैं। लेकिन इसमें समस्या वही है कि रेड कलर जो ये निकालते हैं इसके अंदर अलग से जो फ्लेवर होता है मिर्च का वो आता है। लेकिन जो आमतौर पर जो नेचुरल सोर्स का रेड कलर है वो इंसेक्ट से मिलता है, तो कॉचिंगल से और ये प्योरीफाइड फॉर्म कार्माइन की मिलती है, इससे फीमेल इंसेक्ट से मिलता है जो कैक्टस पे और कुछ जो ट्रीज के रूट्स पे ये ग्रो करता है। और दूसरा है ये दूसरा है पैथोजेंथिन, इसको भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। मैस्कस नाम की एक मोल्ड होती है जो सीरियल्स को लगती है, उसका चाइना जापान और ताइवान में रेड कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली बात वही है कि रेड कलर जो है अट्रैक्टिव होता है लेकिन अनस्टेबल है, ये नेचुरल फॉर्म में जो मिलता है। येलो कलर जो है वो कैरोटीनॉइड से, और बहुत से प्लांट्स हैं, कैरेट है जैसे, एल्गी है, पाम ऑयल से, रूम से भी बनाया जा सकता है। और बीटा कैरोटीन, एफओएट कैरोटीनल और इथाइलाको कैरोटीनेट, ये बीटा कैरोटीन से बनते हैं। बीटा कैरोटीन के साथ साथ ये भी आपके येलो कलर के कंपाउंड हैं। अनेटो प्लांट से मिलता है आपको, अपने यहाँ येलो कलर किससे मिलता है? बता सकते हो? टर्मरिक, हल्दी, नेचुरली अगर देना है तो सैफरन का भी कई जगह येलो कलर के लिए इस्तेमाल करते हैं और बड़ा अच्छा फ्लेवर होता है इसका। लेकिन जिस तरह कई बिरयानी टाइप की डिश उसमें सैफरन मिलाते हैं येलो कलर देने के लिए, जो आपके चावल हैं उनको, महंगा होता है, दिक्कत वही है। टर्मरिक जो अपने राइजोम है, कर्क्यूमा प्लांट, वो येलो कलर मिलता है उससे। पिकलिंग में इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से कार्थमिन है, कार्थमिन प्लांट से मिलता है। ये नेचुरल सोर्सेज हैं। ग्रीन के लिए अपना सबको पता है कि ग्रीन कलर जो है प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल की फॉर्म में होता है, जो ग्रीन कलर है, इसके डेरिवेटिव्स हैं। तो ब्रिलियंट ग्रीन कलर है वो कॉपर क्लोरोफिल से मिलता है, जिसमें क्लोरोफिल के अंदर जो मैग्नीशियम है उसको कॉपर से रिप्लेस कर देते हैं। इसी तरह से जो ब्लू कलर है वो एंथोसाइनिन से, जो ब्लू बेरीज में मिलता है। जो ब्लू फाइकोबोलिन्स हैं वो ब्लू ग्रीन पिगमेंट है, बेसिकली वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एल्गी के अंदर, तो वो भी ब्लू कलर का एक अच्छा सोर्स है। ब्राउन के लिए बेसिकली अपने को पता है कि कैरामल, शुगर का जब हम रिएक्शन करते हैं तो ये नेचुरल कलर, तो जितना लाइट होगा उतना लाइट आपका ब्राउन कलर होगा, कैरामलाइजेशन ज़्यादा होगी तो आपका डार्क कलर होता जाएगा। तो बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट्स की एसिड के अंदर या एल्कली के अंदर डिग्रेडेशन से कैरामल कलर बनता है। और मेलार्ड रिएक्शन भी एक ब्राउन कलर का सोर्स हो सकता है। इसके अलावा कोकोआ बीन्स हैं, जिससे आपकी चॉकलेट बनती है, उसके पोर शेल स्टेम इन सबसे आपको ब्राउन कलर मिलता है, या फर्मेंटेड टी है उससे ब्राउन कलर मिलता है। घरों में किचन में जो ब्राउन कलर के लिए यूज करते हैं ये चीज़ें आमतौर, जो भी ब्राउन कलर के पिगमेंट्स हैं इसमें बेसिकली फ्लेवोनॉइड्स हैं, फेनोलिक्स हैं, टैनिन्स हैं, ग्लूकोएंथोसाइनिन्स हैं, या इस तरह के और ब्राउन कलर कम जो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स पे होते हैं और कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये था कलर्स में। अब टेक्सचर जो है, सरफेस प्रॉपर्टी, उसको अगर अपने को देखना है बेसिकली इसको हम मेजर करते हैं कि कोई फोर्स अगर हम लगाएं तो फूड उसको कितना रेजिस्ट कर रहा है।
उसको अपने को मेजर करना है तो अपने को टेक्सचरल प्रॉपर्टीज का बहुत पता लग जाता है। चलो 10 मिनट का सिग्नल मिल गया भाई, इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे अगर कोई पका हुआ फ्रूट है, जैसे हम इसकी ऑरेंज की बात कर रहे हैं, आपके लेमन की बात कर रहे हैं, तो कच्चे अगर स्क्वीज करोगे तो बहुत जोर लगेगा, लेकिन अगर वो पका हुआ मैच्योर है तो उतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा। तो कंप्रेशन जो इसके ऊपर काम करेगा वो कंप्रेसिबिलिटी फूड की टेक्सचर की हमें ये बता देती है कि वेदर अवर फूड इज मैच्योर है अपना रूट एंड वेजिटेबल। इसी तरह से ब्रेड कितनी नरम है, थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर डाल के आप बता सकते हो। अगर हम फूड के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर से स्लाइड हो जाता है तो इसको बोलते हैं शीरिंग। जैसे चीविंग गम में जब गम की एक लेयर को काटते हैं, और जब हम फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स से जिस जो अगर हम मटेरियल के अंदर उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारी होती है कटिंग फोर्स। तो शेयरिंग और कटिंग में थोड़ा सा फर्क है, वो यही फर्क है बेसिकली कि जब हम उसको दो बराबर हिस्सों में काट दें बीच में से तो वो कटिंग है, और एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर से हटा दें तो वो शेयरिंग। आगे दिखाएंगे इसमें किसी चीज को हम एक दूसरे से दूर करके जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं एक दूसरे से दूर करने के लिए तो उसको हम टीयरिंग या पुलिंग अपार्ट बोलते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ पता लगती है, जैसे मफिन है उसको दो हिस्सों में बांटते हैं, और जब हम च्यूइंग करते हैं चाहे वो आपके मैंगो लेदर है उसकी च्यूइंग है, या आपकी सॉफ्ट टॉफीज है उनकी च्यूइंग है, या इन्होंने स्टेक का एग्जांपल दिया है, तो उससे उसकी टफनेस और टेंडरनेस के बारे में पता लगता है। मीट के अंदर आमतौर पर यह चलता है कि कितना टफ मीट है या कितना नरम मीट है। तो बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं इन प्रॉपर्टीज का पता करने के लिए, अलग अलग नाम है, तो इसके बारे में पूरा हम डिटेल में बात करेंगे। इसके लिए कुछ स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट्स हैं टेक्सचर के लिए, जैसे कंप्रेशन दबा के किसी चीज़ के अंदर से जूस निकालते हैं तो उसको बोलते हैं सकुलेंस मेजर करना, और उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है सकुलोरोमीटर। सकुलोमीटर जो है वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम सकुलेंस मेजर करते हैं, यानी कंप्रेशन फोर्स के द्वारा कितना जूस उसमें से निकला फूड में से। इसी तरह से जो टेंडरोमीटर है वो क्या करता है, कंप्रेशन अप्लाई करता है और शेयर फोर्स अप्लाई करता है जिससे अपने को टेंडरनेस पता लगती है किसी भी फ्रूट वेजिटेबल की। एग्जांपल का इन्होंने दिया है पीस का, या कोई और इसके लिए आप टमाटो का एग्जांपल आप ले सकते हो। इससे कंप्रेशन से आप पता कर सकते हो कि कितना नरम है कितना हार्ड है। तो जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है उसके अंदर बेसिकली डिफरेंट तरह के प्रोब्स लगते हैं आगे, और हर एक जो अलग अलग आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो उसके ऊपर चेक की जाती है। यूनिवर्सल इसीलिए बोलते हैं कि ये सभी जगह अप्लाई होती है, फूड में भी अप्लाई होती है, कॉस्मेटिक्स में भी अप्लाई होती है, मेडिसिन में भी अप्लाई होती है, और ये पैकेजिंग मटेरियल के अंदर भी अप्लाई होती है, फूड मटेरियल के अंदर भी अप्लाई होती है। इसका एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो है या यूनिवर्सल टेक्सचर एनालाइजर इसका एग्जांपल दिया है, इसमें यहाँ कोई भी प्लंजर लगा के और नीचे आपका कोई भी फूड मटेरियल रख के फिर ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तब आपको पास रीडिंग आती है। तो अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्टों को या अलग अलग जो वैरायटी के प्रोडक्ट्स को या अलग अलग जो मैच्योरिटी के प्रोडक्ट्स हैं उनको आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से रीडिंग लेकर। इसके लिए भी मैं कुछ एक वीडियोज ढूंढ के और आपके इस पर डालूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिससे कि इन वीडियोज को आपको देख के इसकी वर्किंग के बारे में समझ में आ जाए। तो ये वर्किंग इसको इससे पता लगेगी, बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हैं फ्रूट वेजिटेबल्स में है, और आपके प्रोसेस प्रोडक्ट्स में चीज है, एग प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे के सारे इससे आप
मेजर कर सकते हैं उनकी जो टेक्सचरल प्रॉपर्टीज हैं उनको लेकर। तो जो टेक्सचरल प्रॉपर्टीज हैं उसमें चेंज आता है विद टाइम विद प्रोसेसिंग, तो उसको वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। अब उस चेंज को हमें नापना होता है और उस चेंज का क्या इफेक्ट पड़ता है ओवरऑल क्वालिटी के ऊपर वो अपने को देखना होता है। फ्रूट वेजिटेबल्स में अगर टेक्सचर के अंदर कोई चेंज आता है तो उसका मेजर रीजन रहता है वाटर। वाटर कैसे कि हमने फ्रूट को पिक कर लिया तो फ्रूट के अंदर से या वेजिटेबल्स के अंदर से कंटिन्यूस वाटर इवेपोरेशन होता रहता है। अब इसके लिए एक टर्म होती है टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर का मतलब कि जब फ्रूट वेजिटेबल के अंदर पानी पूरा है तो वो अंदर का पानी बाहर निकलने के लिए जोर मारता है सेल की वाल के ऊपर, और जब तक सेल की वाल लाइव है तो वो उस प्रेशर को मेंटेन करे रखती है। लेकिन जैसे ही हमारा प्लांट डेड हो जाता है, जब हम उससे फ्रूट को तोड़ लेते हैं तो जब वो फ्रूट डेड हो जाता है तो वो धीरे धीरे सेल का जो बिहेवियर है वो इस तरीके का नहीं रह पाता कि वो अंदर अपने मॉइस्चर को रिटेन कर सके, और इस कारण से वो मॉइस्चर उससे लूज होता है और जो हमारी फ्रूट वेजिटेबल है वो भी सॉगी हो जाती है, वो ढीली पड़ जाती है। तो ऐसे बहुत से चेंजेस हैं जो प्रोसेसिंग के दौरान हमारे अलग अलग तरह के फ्रूट प्रोडक्शन, जैसे ये तो हुआ कि ढीला पड़ गया, कई जगह टाइट हो जाता है। कैसे, जब हम बेक करते हैं बेक करते हैं तो पहले मॉइस्चर होता है तो हमारा जो आटा होता है नरम होता है, किसी भी मोल्ड से आसानी से ढक जाता है। लेकिन जब उसके अंदर से हम मॉइस्चर को रिमूव करते हैं उसके बाद बेकिंग होती है उसके अंदर, तो वो हार्ड हो जाता है। तो अलग अलग तरीके से इसके ऊपर फर्क पड़ता है। तो टर्गर वाला भी है और कुकीज क्रैकर्स वाला भी है, और साथ में ब्रेड के अंदर देखो आप तो ब्रेड के अंदर हालांकि हीटिंग होती है, हीटिंग के बाद उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, वो अपने सैक्स बनाती है और वॉल्यूम बढ़ाती है ब्रेड का, लेकिन ब्रेड बाद में फिर नरम रहती है, जबकि उससे मॉइस्चर लॉस भी हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ क्योंकि कुछ मॉइस्चर उसके अंदर अभी भी प्रेजेंट है, तो इसके कारण से उसका टेक्सचर जो है वो सॉफ्ट रहता है। तो ऐसे बहुत से फर्क आते हैं अपने प्रोसेसिंग के दौरान फूड के अंदर। कई जगह पे केक को नरम करने के लिए कुछ टेंडराइजर्स हैं, लिपिड वगैरह हैं, ये यही काम करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं। स्टार्च है या कई गम्स हैं वो थिकनर का काम करते हैं, उससे विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। स्टार्च का तो बेस्ट एग्जांपल है कि घर में आप जो कस्टर्ड बनाते हैं, जैसे अब गर्मियों में बनाने लग गए हुए, तो उस कस्टर्ड में क्या करते हैं कि दूध के अंदर हम वो जो कस्टर्ड होता है बेसिकली स्टार्च होता है फ्लेवर, तो वो स्टार्च डालते हैं। तो स्टार्च क्या होता है, जेलेटिनाइज होके और जितना भी वाटर है उसको अपनी लेयर्स के अंदर बाइंड कर लेता है, तो दूध या जो हमने स्टार्च मिलाया है वो गाढ़ा कर देता है दूध को। ऐसे स्टार्च के एग्जांपल आपको इसमें भी मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया मैस है या आपके जो बाहर ढाबे हैं उसमें करी को तरी को गाढ़ा करने के लिए थोड़ा सा आटा छिड़क देते हैं, तो वो आटा क्या है बेसिकली वाटर को बाइंड कर लेता है, हालांकि दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। लेकिन आपकी जो आइसक्रीम्स हैं या जो आपके फ्रोजन डेजर्ट्स हैं उसके अंदर कुछ गम्स का यूज किया जाता है एज अ थिकनर एज अ स्टेबलाइजर, कि वो गाढ़ा कर लेते हैं, वाटर को बाइंड करते हैं, एयर को भी वो अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, तो जिससे विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो वहाँ इसका कई जगह प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है एज अ थिकनर, क्योंकि जब प्रोटीन को हीट करते हैं तो वो कोएगुलेट कर देता है। तो ओरिजिनली जो आपका ये होता था जो मैंने बताया था स्टार्च से बनने वाला प्रोडक्ट मिल्क के साथ, उसमें स्टार्च की जगह पहले एग इस्तेमाल करते थे, लेकिन कुछ को एग एलर्जी होती है तो एग एलर्जी को फिर दूर करने के लिए ये स्टार्च लेके आने लग गए उसमें। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो अलग अलग जगह अलग अलग इस्तेमाल है, उसके कारण टेक्सचर के अंदर चेंजेज आते हैं। तो आज इतना ही भाई, खत्म होने वाला है अपना टाइम, कल हम जो आगे कंसिस्टेंसी है उसके ऊपर बात करेंगे। जी सर, ठीक है सर।